दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट उड़ीसा टूर का। और मैंने जितना भी टूरिस्ट स्पॉट विजिट किया हूँ उड़ीसा जाके, तो उसका ये है ट्रेलर वीडियो। तो असली ब्लॉग वीडियो हर स्पॉट का तुम लोगों को मिल जाएगा। मेरे चैनल पे फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब वीडियो स्टेप बाई स्टेप मैं बता दूंगा तुम लोगों को, और कहाँ पे रहना है, कैसे जाना है, और कहाँ पे खाना है, और सस्ते से सस्ता होटल किधर में लेना है, सब पूरा डिटेल्स मिल जाएगा मेरा सब आने वाला वीडियो में। तो तुम लोग फॉलो करते रहो मेरे इस वीडियो में। वेलकम टू उदयगिरी दोस्तों, आज तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ उदयगिरी। तो मेरे साथ रहो और वीडियो अंत तक देखते रहो, नहीं तो नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है ट्रिप के निकल पर रहे हैं। और ये जो सामने एक बंदा चल रहा है, इसका ही कलर शर्ट पहना हुआ, वो मतलब 200 रुपए लेता है। टूरिस्ट पास हम लोग को बुक करा दिया है पर पर्सन 200 रुपए करके, और ऊपर से 150 रुपए अलग से लगेगा मतलब टिकट के लिए। दोस्तों, ये है नंदन कानन, और इसके अंदर तुम लाइव सफारी कर पाओगे हर चीज़ का बहुत अच्छे तरह से। यहाँ पे जो है, यहाँ पे था भालू। भालू का तो देख चुके हो, आगे जाके देखते हैं क्या है। एक्चुअली मेरे को कोई पता नहीं है इंस्ट्रक्शन यहाँ का, तो डायरेक्शन भी पता नहीं है, अंदाज से चल रहा हूँ। और टूरिस्ट वालों ने टाइम दिया है हमको आधा घंटा के अंदर, अगर नंदन कानन फिनिश नहीं कर पाया तो फिर गया बस। ये कोणार्क सूर्य टेम्पल भी बहुत बढ़िया प्लेस है, तो यहाँ का भी ब्लॉग वीडियो मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए। जगह तो बहुत मस्त है यार। ये चक्का 20 रुपया नोट का पीछे देखने मिलता था, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोटबंदी होने के बाद नया 10 रुपया नोट का पीछे इनको छाप दिया। नया 10 रुपया नोट देखेंगे, ये चक्का का निशान देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है पुरी का मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर उसके अंदर फोन वगैरह या फिर वीडियो शूट कोई अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही तुम लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा मंदिर। दोस्तों, इस पुरी टेम्पल में लाखों भक्त रोज आते हैं यहाँ दर्शन के लिए और पवित्र होते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाता है, ब्राह्मण लोग जो है प्रसाद देते हैं, 100 रुपए लेता है उसके लिए। 10 मिनट पहले वहाँ पे था, अभी यहाँ पे हूँ। दोस्तों, उदयगिरी एंड खंडगिरी में अगर तुम चढ़ोगे हिल पे, तो वहाँ पे केव्स दिखने को मिलेगा एंड बहुत बढ़िया टेंपल भी दिखने को मिलेगा। और वहाँ पे बहुत ही भक्त लोग चढ़ के जाते हैं ऊपर तक, और उसके बाद आनंद लेते हैं वहाँ का टॉप व्यू का, 360 व्यू वहाँ से आएगा बहुत बढ़िया से। तुम पूरा भुवनेश्वर एंड पूरा उड़ीसा को तुम 360 व्यू में देख पाओगे बहुत बढ़िया से। दोस्तों, उड़ीसा का लिंगराज जो टेंपल है, ये टेंपल बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली यहाँ वीडियो शूट अलाउ नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा मैनेज किया हूँ। चंद्रभागा का जो रेत है, नदी है, क्या हिस्ट्री है, वो शायद इस तरफ। दोस्तों, पूरी नाइट लाइफ का जो मज़ा है वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा तुमको वहाँ पे। नाइट पे बहुत तरह के स्ट्रीट फूड भी मिलेगा तुमको खाने के लिए, और बीच में जाओगे तो बहुत तरह के मछली, फिश फ्राई वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मोटा मोटी जितना भी मेरे से हो सका। और आगे आने वाला सब ब्लॉग और वीडियो तुम लोग ज़रूर इंजॉय करोगे, यही उम्मीद रखते हैं। और मैंने बहुत अच्छा से वहाँ तो विज़िट कर नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का प्रेशर भी था और टेंशन भी था ऊपर से कि मेरे को घर लौटना था। एक्चुअली टाइम भी मेरे पास शॉर्ट था, तो क्या करें। तो तुम लोग एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, और आने वाले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करो ज़रूर। मैं तुम लोगों के लिए
अच्छा से एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा मेरे सब वीडियो में, तो अंत तक देखते रहना सभी वीडियो, तभी जाके तुमको मालूम पड़ेगा और फुल गाइड मिलेगा।